नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मध्य प्रदेश उपचुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। आपको बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंका, जिस मंत्री अमरजीत भगत ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगे प्रचार की रूपरेखा तैयार की और बूथ स्तर पर जानकारी भी ली। उन्होंने जमीनी स्तर पर वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर आगे के कार्यक्रम की चर्चा की। ब्यौरा विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता अपने बीच अमरजीत भगत को देखकर ऊर्जा से भर गए। पहले तो उन्होंने मंत्री अमरजीत भगत का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, फिर उत्साह से उनके साथ चुनाव प्रचार में गए। मंत्री अमरजीत भगत ने राजगढ़ जिले के ब्यौरा विधानसभा में जाकर चुनाव रैली में हिस्सा लिया। उन्हें विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी एवं कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर जनता से मुलाकात भी की। भाजपा सरकार के 15 सालों के कुशासन के बारे में बताते हुए उन्हें कांग्रेस के चिन्ह पर बटन दबाने को आग्रह किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंत्रियों और पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, जिसके तहत मंत्री अमरजीत भगत को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राजगढ़ के ब्यौरा विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री अमरजीत भगत आने वाले 3 दिन जमीनी रैलियों में हिस्सा लेंगे, साथ ही वे कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका उत्साह वर्धन भी करें। याद हो कि ब्यौरा विधानसभा से चुने गए कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का कुछ दिनों पहले कोरोना की चपेट में आकर निधन हो गया है। उनकी जगह ब्यौरा विधानसभा से कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी को प्रत्याशी घोषित किया है। इस प्रचार अभियान के दौरान मंत्री अमरजीत भगत के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता विष्णु दत्त शास्त्री, युवक कांग्रेस जिला महासचिव अर्पित शर्मा, पार्षद यूनुस मोहम्मद, सुरेश धनगर एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक क्रांति और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ऐसी खबरों की बनी रही हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।